नवी मुंबई पालिका क्षेत्र में लॉकडाउन रिलीज करने के बाद हमने देखा है कि कोरोना पॉजिटिव रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इसके बारे में एक वायरस का संक्रमण रोकने के लिए महापालिका प्रशासन पूरी तरह से पर्याप्त उपाय योजना कर रही है। हमने मास स्क्रीनिंग शुरू किया है, स्वैब कलेक्शन टेस्ट बढ़ाने का हमने प्रयास किया है, लेकिन अगर ये कोरोना वायरस का जो चेन है इसको अगर हमको तोड़ना है, इसको रोकना है, तो और सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये देखा गया है कि जहाँ पर्टिकुलरली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है, ये हमने देखा है। तो ये वायरस को कंट्रोल के करने के लिए और इसको इसका जो चेन है इसको तोड़ने के लिए हमें फिर एक 10 दिन का लॉकडाउन करने का हमने निर्णय लिया है। इसमें ये मैं विशेष रूप से आपको बताना चाहता हूँ कि अपने नवी मुंबई महापालिका क्षेत्र में MIDC एरिया है, जहाँ बहुत सारे इंडस्ट्रीज काम करते हैं, APMC है जहाँ से पूरे अत्यावश्यक वस्तुएं पूरी एरिया में मुंबई से लेके सब एरिया में वो सप्लाई करते हैं। तो APMC और MIDC एरिया में जो इंडस्ट्रीज है और पूरे शहर में जो अत्यावश्यक सेवा देने के जो भी साधन है, इनको छोड़ के बाकी एरिया में लॉकडाउन एक्टिविटी बाकी चालू रहेगी। ये लॉकडाउन जो है 3 तारीख मध्यरात से, या आप कह सकते हैं 4 तारीख अर्ली मॉर्निंग से लेके 13 तारीख रात 12 बजे तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा। मैं आप सबको, नई मुंबई के नागरिकों को यही गुजारिश करता हूँ कि आप हमें इस लॉकडाउन के दरमियान जैसे पहले ही सहयोग दिया है वैसे सहयोग दो, और ये लॉकडाउन को हम सक्सेस करें कि आगे लॉकडाउन रिलीज होने के बाद फिर ये संख्या नहीं बढ़े। इसके लिए आगे जो हमें सोशल डिस्टेंसिंग हो या मास्क, बाहर अगर जाते हैं पब्लिक प्लेस में तो मास्क पहनना कंपलसरी है, फ्रिक्वेंटली हाथ धोना, और पर्सनल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो भी आप कर सकते हैं आयुष मंत्रालय के गाइडलाइंस हमें दिए हुए हैं उसका पालन करें, और ये लॉकडाउन हम सक्सेस करके ये कोरोना का संक्रमण हम रोकने के लिए आप हमें सहयोग दे, ऐसा मैं आपको नम्र निवेदन करता हूँ। धन्यवाद।